यू लॉर्ड, धन्यवाद। जीवित परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय आपके वचनों के लिए, जो हमेशा हमें सही दिशा में, सही मार्गों पर अगुवाई करते आए हैं। क्योंकि आपका वचन जीवन और आत्मा है, इसलिए उसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते प्रभु। उसके बगैर हम एक जीवित लाश है प्रभु, और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि इस फेडेड वर्ल्ड में प्रभु, जब ये संसार पतित होता जा रहा है प्रभु, फॉलन वर्ल्ड है प्रभु, सब कुछ धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है, और ऐसे समय में जो अटल है वही हमें स्थिर या तो स्थिरता प्रदान कर सकता है। और इसलिए परमेश्वर, हम आपकी ओर देखते हैं, आपकी बातें अटल है, आपकी बातें ही हमेशा रहने वाली है, क्योंकि वो ही अनंत है। आप अनंत हो इसलिए आपकी बातें भी अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। और यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए, उन अनंत बातों की ओर आप हमें ले जाइए। यह संसार जो कुछ समयों में मिट जाएगा प्रभु, पर तेरी इच्छा पूरी करने वाले और तेरी योजनाएं, तेरा वचन सदा अटल बना रहने वाला है प्रभु। और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि उन बातों की ओर हमें ध्यान लगाने के लिए अनुग्रह दे प्रभु, कि जो हमारे लिए आपने चुनी है, आपकी चुनी हुई बातों को आज आप हमारे सामने रखे प्रभु, और हम में से हर एक को ज्ञान का, बुद्धि का और समझ का आत्मा दे प्रभु। हमारे कानों को खोल दो प्रभु, हमारी ये प्रार्थना है प्रभु जी, आप हमारे कानों को खोल दीजिए प्रभु, ताकि हम आपकी वाणी को सुन सके और समझ भी सके। यीशु के लहू को हम इस पूरे समय पर लेते हैं और दुआ करते हैं, शैतान की युक्तियां इस वचन के विरोध में हो, यीशु के नाम में निष्फल हो जाए। शैतान, तुझे और तेरी हर युक्ति को मैं यीशु के नाम में निष्फल जाहिर करता हूं। इस वचन की सच्चाई से हमें अलग रखने वाली हर एक अंधकार की ताकतों को और इस सच्चाई को चोरी करने वाली हर चोरी करने वाली आत्माओं को यीशु के नाम में हम निष्फल करते हैं। पवित्र आत्मा, आप हर एक की समझने के लिए हम सबको और हम सुनने वाले सभी लोगों को आप मदद करें, यीशु के नाम में हम दुआ करते हैं, आमेन। आज का जो वचन है प्यारो, उस आधार पर है जिसको कहते हैं कि शारीरिकता में जीना, है ना। आज का वचन वो बातें हमें बताएगा कि हम शारीरिकता में जीते हैं कि आत्मिकता में जीते हैं, और शारीरिकता में जीने का क्या फर्क है, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है जब हम शारीरिक जीवन को जीते हैं, जब हम आत्मिक जीवन छोड़कर शारीरिक जीवन की ओर कदम बढ़ाते हैं और उसमें हमारे जीवन को आगे ले जाते हैं, तब क्या असर होता है, नहीं। और इन बातों की ओर आज का वचन पूरा फोकस है, और प्रभु ने जो वचन ध्यान में लाए है, यूहन्ना रचित सुसमाचार है। आप अपने पास बाइबल है तो 8वां अध्याय आपके सामने रखिएगा, और उसमें से कुछ आयतें हम पढ़ेंगे, और प्रभु जो भी सिखाना चाहता है, हमें समझाना चाहता है, उसकी ओर हम गौर करना चाहेंगे, है ना। कैसे कैसे प्रभु के वचनों के बावजूद भी लोग आत्मिकता से शारीरिकता की ओर जा सकते हैं, कैसे, नहीं। बहुत ही बोलते हैं कि पतली रेखा है, नहीं, लाइन है। हम कई बार समझते हैं कि हम स्पिरिचुअली सोच रहे हैं, आत्मिक सोच रहे हैं, पर कई बार वो सोच हमारी शारीरिक भी हो सकती है, और ऐसा ही कुछ कुछ बातें, ऐसी कुछ घटनाएं बाइबल में वर्णन की गई है, जिसको हम समझेंगे आज, है ना। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार आप मेरे आप अपने सामने खुला रखें, उसका 8वां अध्याय, और 8वां अध्याय उसकी 36 से पढ़ेंगे, सॉरी 37 से पढ़ेंगे, 37 से पढ़ेंगे, 8 और 37, 37। मैं जानता हूं कि
कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहां देखा है। हाँ, यीशु मसीह का यह शब्द था, मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहां देखा है, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। अब ये प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, किन लोगों को बता रहे हैं, ये पूरी घटना को हम समझने का प्रयास करेंगे, इस घटना के तहत तक जाने का हम प्रयास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ये बातें उन लोगों के सामने कर रहे हैं जो लोग यीशु मसीह में फॉल्ट गलतियां ढूंढ रहे थे, यीशु मसीह की शिक्षा में गलतियां ढूंढ रहे थे, जो चाहते थे कि कैसे भी हमें मौका मिल जाए कि यीशु मसीह को पकड़ ले, कोई आधार मिल जाए हमें कि उस आधार पर हम यीशु मसीह को पकड़ लें। और जो बड़ी भीड़ उनके पीछे जा रही है, उन पर विश्वास कर रही है, हमारा नुकसान हो रहा है। वहां पर अगवे और वहां पर लोग ऐसे थे जो लोग ये सब बातें सोच रहे थे, हमारा नुकसान हो रहा है, वी आर गोइंग इन लॉस, नहीं बहुत बड़े नुकसान में हम जा रहे। वो नहीं चाहते थे कि लोग यीशु के पीछे जाए, और वो इसीलिए फॉल्ट गलतियां ढूंढ रहे थे, और इसीलिए जहां भी यीशु मसीह जाते थे ऐसे लोग वहां पर होते थे, भीड़ में तरह तरह के लोग होते थे, कुछ लोग सच में कुछ भूख और प्यास के साथ यीशु के पास आए होते, कुछ लोग ऐसे होते थे वहां पर कि जो गलतियां ढूंढने के लिए वहां यीशु की बातें सुन रहे थे, कुछ लोग वहां पर ऐसे थे कि जो जासूस के रूप में भेजे गए थे कि भाई जाओ तुम छानबीन करके लाओ वो क्या बता रहे हैं। और मेरे ख्याल से सातवें अध्याय में यह बात लिखी हुई है, पर्व के अंतिम दिन की यह बात है, वहां पर 37वें आयत 7 और 37 में लिखा, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा। यीशु मसीह ने कुछ बातें बोली और खड़े होकर वहां पर बता रहे थे सब बातें, और तब भीड़ में से किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही वह भविष्यवक्ता है। 40वीं आयत 7 और 40 में लिखा है, दूसरों ने कहा यह मसीह है, परंतु कुछ ने कहा क्यों, क्या मसीह गलील से आएगा। 42 में लिखा है, क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बैथलेहम गांव से आएगा जहां दाऊद रहता। वहां की भीड़ में वो लोग शास्त्र के बारे में जानकारी भी रखते थे, बहुत सारे लोग, कि भाई मसीहा आने वाला है जो हमें छुड़ाएगा, पर उनकी सोच शारीरिक सोच थी, वो ये सोच रहे थे कि ये सल्तनत से हमें आजादी मिल जाएगी, ऐसा मसीहा आएगा जो हमारा राजा बन जाएगा और हमारे राज्य में हमारे देश में चारों तरफ खुशहाली शांति प्रदान करेगा, जो हमें इस भारी रोमन सल्तनत की उसकी मार से हमें छुड़ा देगा। और ऐसी गुलामी से वो छूटना चाह रहे थे और उस आशा में लगे थे कि मसीहा आएगा, और वो सब लोग ये सब सोचकर यीशु के पास आए थे, क्या सच में ये वो तो नहीं, इसलिए यहां पर ये सब लोग बोल रहे हाँ ये भविष्यवक्ता है, कोई बोलता है कि नहीं नहीं ये मसीहा है, तो कोई जानकारी के साथ बोलता है, प्रूफ के साथ, नहीं दाऊद के वंश में आने वाला है, नहीं बैथलेहम गांव से आने वाला है, नहीं एकदम परफेक्ट। पर 44 में लिखा है, उनमें से कुछ उसे पकड़ना चाहते थे, उस भीड़ में से कुछ ऐसे, परंतु किसी ने उस पर हाथ न डाला। कुछ पकड़ना चाहते थे, और उन पकड़ने वाले कौन थे, उनको किस लोगों ने भेजा था, कुछ लोगों ने उनको भेजा था, सातवां अध्याय 45वीं आयत पढ़े, देखिए 7 और 45, तब सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौट आए, उन्होंने उनसे कहा, नहीं मतलब देखो ये बता रहे सिपाही लोगों को भी भेजा गया था, कहां पर लौटा है वो, प्रधान याजक और फरीसियों के पास, मतलब ये पूरा षड्यंत्र यीशु मसीह के खिलाफ था, और वो क्या हुआ, वो लोग वहां पर गए हैं, और आगे क्या होता है, जाकर रिपोर्ट, जब वो खाली आज जाते हैं तो उनको प्रश्न पूछा जाता है, तुम उसे क्यों नहीं लाए, सिपाहियों को जिस काम से भेजा था कि यीशु मसीह को पकड़ के लाना है, पर बोले क्यों नहीं लाए,
46 में बहुत गजब बात लिखी है, बहुत अद्भुत बात है। सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। सिपाहियों ने उत्तर दिया कि किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। हालेलुया। जिन लोगों को भेजा था उनको पकड़ने के लिए, वो ही यीशु पर भरोसा और विश्वास कर लिए वहां पर कि यार ये तो, ये जो बातें बता रहे ये तो भाई भविष्य वक्ता ही बता सकता है, ऐसी बातें तो किसी मनुष्य ने सुनी, सुनने में ही नहीं आई है, ऐसी बातें वो तो बता रहा है। सो वो ऐसे के मतलब उनको पकड़े बगैर आए, उनका मकसद कुछ था पर वो मकसद वहां पर पूरा ना हुआ। प्यारो कितनी गजब की बात है ये कि यीशु की बातें भीड़ में वो लोग सुने और सिपाही लोग ऐसे ही आ गए पर खाली हाथ नहीं आए, वो विश्वास किया उन्होंने, उन्होंने उन्होंने मतलब समझा कि भाई ये क्या हुआ है, क्या हो रहा है, उन्होंने ये समझा कि ये क्या, कौन है और क्या बोल रहा है, इसकी बातें कितनी महत्वपूर्ण है, ये सब बातें उन्होंने समझी वहां पर। और यीशु मसीह अब यहां पर 8वें अध्याय में ये सब बातें फरीसियों के सामने बता रहे हैं। 38वीं आयत में, 8 और 38 में लिखा है, मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहां देखा है। मतलब यीशु मसीह की जो सेवकाई थी पूरी किन बातों पर आधारित थी? परमेश्वर पिता के साथ जुड़े रहना और उनकी तरफ से दिशा निर्देशन पाना, सूचना पाना, और उन सूचनाओं पर, उन निर्देशन पर, उन बातों पर, उन वचनों पर आगे बढ़ना। बहुत ही लिमिटेड टाइम था 3.5 साल का प्रभु यीशु मसीह के पास, और उन 3.5 साल के सेवकाई में प्रभु पिता परमेश्वर की योजना को इस संसार में प्रकट करना, जाहिर करना और उसको पूरा करना था। और इस सेवकाई के लिए बहुत आवश्यक था कि यीशु मसीह परमेश्वर से सुनते रहे। मेरे पीछे बोलिए सुनते रहे, बोलिए मुझे भी सुनते रहना है। हाँ प्यारो, अगर आप, आपकी, आपको सौंपी हुई सेवकाई को पूरा करना चाहते हो अपने जीते जी, जब तक आप जीवित हो तब तक ये कर सकते हो, पर वो आप अपने इस सोच से, अपने अनुभव से नहीं कर सकते हैं, हम हमारे बल से नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि उस पिता परमेश्वर की बातों को सुना जाए। यीशु मसीह ने बार बार ये बातें बोली, देखो यूहन्ना 8 और 47 में, 47 में लिखा है कि जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की सुनता है। नहीं सॉरी, अट्ठाईसवीं आयत में, सॉरी। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं। देखो और क्या लिखा है, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। यीशु मसीह क्या बोल रहे, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। 8 और 27, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूं। मुझे सिखाने वाला कोई है। यीशु मसीह का जन्म चमत्कारिक था, चमत्कार उनसे हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि बस वो बस अपने देह से चलते रहे, अपनी शारीरिकता में चलते रहे, ओ सब कुछ हो रहा है अब परफेक्ट है, मैं सीधी लाइन पर हूं, नहीं। वो प्रभु से सुन रहे थे। देखिए क्या बहुत अद्भुत बात है यीशु मसीह की, कि जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बात है। पिता जो बोलता है वो ही, एक जगह पर पिता प्रभु यीशु मसीह फिलिप्पुस को बोलता है कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं, तो पिता को देखना चाहता है तो पिता की बात कर रहा है, मैं ही जो हूं। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह बोलते कि पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूं। लिखा है मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है।
हालेलुया। मतलब यीशु मसीह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनकी सेवकाई का था और वो हिस्सा था परमेश्वर पिता से सुनना, परमेश्वर पिता से सुनना। अब हम तो भाई सुनते ही है ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हम तो बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं और संगति में भी जाते हैं, और संडे चर्च में तो हम चूकते नहीं है, यूट्यूब खोल कर बैठ जाते हैं। हम तो कहां नहीं सुनते भाई, हम तो सुनते ही है ना, हम तो सुनते ही है। पर यहां पर यीशु मसीह जो बातें फरीसियों को बता रहे हैं उसकी और जब हम गौर करेंगे तो पता चलेगा कि सच में हम सुनते हैं कि नहीं सुन रहे। एक तरफ यीशु मसीह है जो पिता की हरदम सुन रहे हैं। 8:41 में, 41 में भी लिखा है, सॉरी 8:28 हमने पढ़ा, 8:38 में ये बात हमने पढ़ी कि मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहां देखा है, मैं वही कहता हूं जो मेरा पिता मुझे सिखाता है, मैं यही कहता हूं जो मैंने अपने पिता के यहां देखा है। और 26 में भी हमने पढ़ लिया, वहां पर क्या लिखा है 26 में, जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूं, जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूं। 29 में हमने पढ़ा कि, 29 मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मेरा भेजना भेजने वाला मेरे साथ है। मतलब जब हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर नहीं, परमेश्वर से ये बातें हम सुन रहे हैं, परमेश्वर की ओर से हमारे पास बातें आ रही है, और हमारा फर्ज क्या है, हमारा फर्ज क्या है, यीशु के समान बनना तो चाहते हैं हम, नहीं यीशु के जैसा बनना है, नमूना हमें दिया है उसके आधार पर हमें चलना है, पर क्या करना पड़ेगा, हमें उसका सुनना पड़ेगा। अब ये सब बातें जब यीशु मसीह फरीसियों से बता रहे थे तो यहां पर क्या हुआ, फिर से मैं 38वीं आयत पढ़ूंगा, मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहां देखा है, और तुम, फरीसियों के लिए ये शब्द लिखा है, तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। देखिए दोनों, यीशु मसीह के भी पिता है और फरीसियों के भी पिता है यहां पर। अब फरीसी लोग थे, वचन को बताने वाले लोग थे, वचन की ढेर सारी जानकारी रखते थे, पर ये सिर्फ हेड नॉलेज था, ये यहां तक था, ये हेड नॉलेज था, नहीं ऊपरी जानकारी, या यहां पर उपले माले में भरी हुई थी ये सब जानकारी, पर हेड नॉलेज आपको विश्वास की ओर नहीं ले जाएगा प्यारो। आपको ले जाएगा तो विश्वास मन से, जब आप करोगे उस बातों को, जब आप सुनोगे और उसके आधार पर चलोगे। क्यों प्रभु ने ऐसा बोला कि मैं पिता की सुनकर जो करता हूं, नहीं पिता ने यहां देखा है, पिता की यहां देखा है वो मैं करता हूं, और तुम क्या करते हो, तुम वही करते रहते हो, लिखा है करते रहते हो, यू आर कंटिन्यूइंग, किस मार्ग में आप चलते रहते हो कि जो आप अपने पिता से सुनते हो। और एक जगह आगे लिखा है, तैतालीस में, 43 में, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते, इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम मेरी बात नहीं समझते, सुन नहीं सकते, क्यों? एक और आयत हम पढ़ेंगे, 37, क्यों तुम नहीं समझ पाए हो अभी भी, इसका कारण 37 में लिखा है, मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। मेरा वचन तो तुम्हारे हृदय में जगह पाता ही नहीं है। इसका मतलब समझे, वचन है पर वो लोग सुन किसकी रहे, है ना, एक ही साथ दो बातें हो रही है यहां पर फरीसियों के जीवन में, उनके पास वचन भी है और दूसरा है कि वो किसी और की भी सुन रहे। वचन है तो वचन देने वाले की सुनना जरूरी है, पर यहां पर यीशु मसीह अपना जजमेंट सुनाते हैं यहां पर कि तुम तो अपनी पिता से सुनते हो। कौन सा पिता है भाई फरीसियों का, उन फरीसियों का कौन पिता है, कौन है पिता? 44 में लिखा है, तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते, क्यों? क्योंकि तुम, 44 आयत 44 ऐसा लिखे, तुम अपने पिता शैतान से हो।
क्या लिखा है? तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। मतलब वो लालसाएं किसकी है? शैतान की है। इनके पास वचन था, वचन की जानकारी थी, सब कुछ हेड नॉलेज था, पर फिर भी ये लोग, इनका पिता अभी भी शैतान है। मैं ऐसा तो नहीं कहता कि आप सब, आपका कौन है क्या है, पर कि हमें जांचना है प्यारो कि हम किसकी सुनते हैं। हम बाइबल 50 बार पढ़ चुके होंगे, बहुत सारी जानकारी देते होंगे, जानकारी रखते होंगे, शायद बहुत सारे लोगों को एनकरेज किया होगा वचनों से, अलग अलग बातों से, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि कंटिन्यूअसली क्या सर्वदा हम प्रभु के वचनों में बने रहते हैं कि नहीं, उनसे सुनते हैं कि नहीं। यहां पर कुछ उल्टा हो रहा है, कुछ अलग ही हो रहा है। सातवें अध्याय में हमने पढ़ा, यहां पर 28 और 29 में आप पढ़ो तो यीशु ने जो बातें भीड़ में बता रहे थे क्या लिखा? तब यीशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए पुकार के कहा, तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहां का हूं। मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते। मैं उसे जानता हूं क्योंकि मैं उसकी ओर से हूं और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा तो भी किसी ने उस पर हाथ न डाला क्योंकि उसका समय अब तक न आया था। बहुत सारे लोग भीड़ में पकड़ना चाहते थे, बहुत कुछ करना चाहते थे, पर नहीं कर पाए। यीशु मसीह ने बताया कि मुझे उसने भेजा है, मेरे पिता ने भेजा है, और उसका कार्य करना, उससे सुनते रहना, उसका कार्य करने के लिए, सेवकाई को करने के लिए कॉन्स्टेंटली मुझे उसको सुनते रहना है, उसकी बातों की ओर ध्यान लगाना है। तभी मेरे मेरे कान अगर सुनने वाले नहीं है, ये बहुत समझने वाली बात है, तो मेरी सेवकाई, मेरा काम, मैं जो भी प्रभु की महिमा के लिए नौकरी करते हुए जो भी कर रहा हूं, नहीं जो भी कर रहा हूं प्यारो, उसकी सुनते हुए मुझे करना है। अगर मैं नहीं सुन रहा हूं तो बहुत बड़ी गलती हम कर बैठेंगे, जैसी गलती फरीसियों ने कर ली। फरीसियों ने क्या किया? तुम मुझे तो मार डालना चाहते हो, यीशु मसीह बोलते हैं, तुम मुझे मार डालना चाहते हो। क्यों? क्योंकि मेरा वचन तुम में जगह नहीं पाता है, मेरी बातें तुम्हारे पास आती है पर अंदर तो रहती ज नहीं है। हाँ प्यारो, हम हर संडे को बैठ जाते हैं, बाइबल स्टडी हो, यूट्यूब हो, बहुत सारे अलग अलग वचनों को सुनने के लिए, पर जगह नहीं पाएंगे वो वचन, तो वो कुछ और परिणाम ला देगा हमारे जीवन में, और हम सेल्फ सेटिस्फाइड होते रहेंगे, अपने आप को झूठी संतुष्टि देते रहेंगे कि भाई तू तो बहुत अच्छा है, तू तो बहुत सुनता है, तू तो नियमित रूप से प्रभु के चरणों में बैठा है, तू तो क्वाइट टाइम करता है, तू तो प्रार्थना में है, तू तो कितना कुछ करता है, देख तो तू तो संगति में रहता है। पर प्यारो, कहीं ना कहीं हम फरीसी की माफक गलती कर बैठे जब हम शारीरिकता में चले जाते हैं, और इसी इसी को बोलते हैं शारीरिक जीवन। यही है शारीरिकता, कि इन्होंने इन्होंने इनके हृदय में प्रभु का वचन बसा ही नहीं था। और जब वचन नहीं बसेगा और हम बसने का प्रयास नहीं करेंगे उन वचनों को बसाने का, तो ये बात संभव है कि हम शारीरिकता में चले जाए, पता भी नहीं चलेगा कि हम प्रभु से कब अलग हो गए। और निरंतर जैसे यीशु मसीह सुनते थे वैसे ही सुनते रहना है। प्रभु यीशु सुनते थे और सर्वदा वो काम कर रहे। 8 और 29 में क्या लिखा है? मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। फरीसी वो काम नहीं कर रहे थे जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता था, पर यीशु मसीह यहां कर रहे हैं कि मुझे जिसने भेजा है उसकी मैं सुनता हूं और मैं वो ही करता हूं, वो ही काम लिखा है सर्वदा करता आया हूं, कंटिन्यूअसली। एक बात को आप समझे, इस शब्द को, कंटिन्यूअसली उस बात को करना, सतत उस बात में बने रहना है, ये बात है प्यारो यहां पर। और फरीसी लोग यहां पर नहीं थे। जब हम कंटिन्यूअसली कुछ करते हैं, एक देखिए प्रभु से, पिता से सुनने का कितना गजब का प्रभाव है प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में। हम ये गजब का प्रभाव देख रहे हैं कि सर्वदा करता आया हूं, सर्वदा, एक के बाद एक, ऐसा नहीं कि चलो आज किया कल बाद में, सर्वदा करता आया हूं, कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक अविरत प्रक्रिया में प्रभु यीशु रहे उस सेवकाई में, क्योंकि वो प्रभु परमेश्वर पिता से सुनना उन्होंने जारी रखा था। प्यारो, अगर आप जारी नहीं रखोगे और उसकी आवाज को समझने का प्रयास नहीं करोगे, हो सकता है फरीसियों की माफक
हम शारीरिकता में चले जाए। अब शारीरिकता क्या है? देखो यहां पर फर्क प्रभु ने साफ बता दिया है कि मैं वही करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। पर कई बार हमारे काम वचन की जानकारी रखने के बावजूद, वचन होने के बावजूद, सेवा करने के बावजूद हमारे काम ऐसे हो जाते जिससे पिता प्रसन्न नहीं होता है। क्या कभी आपने रात को जब सोते हो आप सोचते हो कि मेरी सोच, मेरा कामकाज जो आज मैंने किया है, आज जो मैंने समय बिताया, क्या प्रभु को प्रसन्न था वो सब? क्या ये सब बातें प्रभु को प्रसन्न करने वाली रही हैं? पवित्र आत्मा झूठा नहीं बोलेगा, वो बताएगा। प्रभु यीशु मसीह अपने कामों से यहां पर बता रहे हैं कि वो इस कामों से वो प्रसन्न है। भले बहुत सारे लोग प्रसन्न नहीं है, बहुत सारे लोग खुश नहीं है, कोई परवाह नहीं है मुझे, मुझे मेरे पिता को प्रसन्न करना है। क्या यह बात है आप कि मुझे तो मेरे पिता को खुश करना है, मुझे लोगों को खुश नहीं करना है? और सब लोगों को आप खुश कर भी नहीं सकते हो, सब लोगों को आप नहीं खुश कर पाओगे। अगर प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को खुश करने बैठे होते तो ये बलिदान हुआ ही नहीं होता प्यारो, कुछ और ही हो गया होता। पर यीशु मसीह ये बात हमेशा सोचते रहे कि मुझे प्रभु की ओर से सुनना है, पिता की ओर से, ताकि मुझे जो सर्वदा जो मुझे करना है वो करते रहने देना है। और शारीरिकता नहीं, शारीरिकता के लिए एक आयत हम पढ़ना चाहेंगे, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय आप निकालें, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय। क्या लिखा है यहां पर? 6वीं आयत पढ़ेंगे। शरीर पर मन लगाना क्या है? जब हम शारीरिक बन जाते हैं क्या हो जाता है? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। दूसरा है 7वीं में, शरीर पर मन लगाना क्या है? परमेश्वर से बैर रखना है। और 8वें में लिखा है, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तीन महत्वपूर्ण बात, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर है, और तीसरा शारीरिक दशा में होना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करना है। प्यारो सच में क्या हम प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं? भले ही आप 1000 शब्द अन्य भाषा के बोलते हो, भले ही हमारे पास इस संसार की बहुत सारी भाषाओं की जानकारी हो, पर हो सकता है उन फरीसियों की माफिक हम भी किसी के फॉल्ट ढूंढ रहे हैं, हम भी प्रभु की बातों को कहीं काट रहे हैं, हम भी कहीं प्रभु की बातों कोई पाई हुई समझ के अनुसार नहीं चलकर अपनी समझ से चल रहे हैं। हम कई बार मिलावट करते, हमारी समझ डाल देते हैं, ऐसे चलना है, नहीं 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 ऐसा नहीं, यहां पर तो ऐसा कहना चाहते हैं, प्रभु ने जो बोला है वो हम करना। ये लोग डेड सिचुएशन में थे, फरीसी लोग, बहुत कुछ जानकारी होने के बावजूद भी डेड थे, मृत्यु था, वो शारीरिक दशा में थे और बैर की दशा में थे, परमेश्वर से बैर की दशा में थे। और प्यारो ये क्या है, हर एक क्षेत्र में हमारे जीवन में यह डेडनेस लाएगा, निष्क्रियता ला देगा, जीवन को ले लेगा, निर्जीव निर्जीव बना देगा, निर्जीवता ला देगा आपके जीवन में, आत्मिक जीवन में। क्या है ऐसा जो हमारे जीवन में ये कर, ये बात, इसलिए हमें सुनते रहना है परमेश्वर की बातों से। हमें बाइबल में लिखा है रोमियो 8वें अध्याय में कि सॉरी 10वें अध्याय में, 10 और 16 में, कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना प्रभु के वचन से होता है। विश्वास सुनने से आता है और सुनना प्रभु के वचन से होता है। तो क्या ये फरीसी लोगों के पास भी वचन था? फरीसियों के पास वचन था, सब कुछ था, पर उन पर विश्वास नहीं था, विश्वास नहीं कर रहे थे। यहां उनका विश्वास क्यों विश्वास नहीं था? क्योंकि उनके काम बताते थे। प्रभु यीशु ने बोला कि तुम सुन रहे हो, सब कुछ है तुम्हारे पास, सब सब ज्ञान है, सब जानकारी, पर तुम तो पिता की, अपने पिता की, मतलब शैतान से हो तुम, उसकी तुम सुन रहे हो। क्या लिखा है वहां पर? ऐसा लिखा है कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। लिखा है वह सत्य पर स्थिर न रहा और सत्य उसमें है ही नहीं, उसमें सत्य है ही नहीं। किसकी सुन रहे थे तुम लोग प्यारो?
हमें सुनना है यीशु मसीह की बातों को, प्रतिदिन हमें उसमें बने रहना, सुनते रहना। ऐसा नहीं है कि हम सुनते हैं इसका मतलब ये नहीं कि बाइबल खोलकर जब बैठते तभी सुनने का समय होता है। आप काम करते हो तभी भी सुनने का समय होता है, आप किसी से बातचीत करते हो, किसी की चाड़ी चुगली करते हो तब भी सुनने का समय होता है कि मेरा पिता क्या कह रहा है, क्या उसको प्रसन्न है ये। हाँ प्यारो, उसकी सिखाई हुई बातों को हम कहाँ काम में लाते हैं? किसी को ताने मारने में काम में लाते हैं? दिया हुआ अभिषेक किस काम में लाते हैं? क्या हम पवित्रता में चलने के लिए काम में लाते हैं? प्यारो, यूं ही आप हजार शब्द अन्य भाषा के बोल लोगे, हिल कर गिर जाओगे ना, यूं यूं उछल उछल करोगे जमीन पर, क्या हो जाएगी, इससे क्या हो जाएगा? क्या पवित्र बन जाओगे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्यारो। फरीसियों की माफक कहीं हम ना रह जाए शारीरिक, क्योंकि शारीरिक दशा परमेश्वर से बैर है और शारीरिक दशा मृत्यु है। लिखा है तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। मरना मरना तय है, मरते जाओगे मरते जाओगे। हम जो चाहते हैं वो होगा ही नहीं, हमने जो चाहा। अरे यार, मैं तो वचन को क्लेम कर रहा हूं, दावा कर रहा हूं, पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये बहुत सारी बातें प्यारो। वचन आत्मा की तलवार है और विश्वास की ढाल है, और जिनके पास ये दो चीज नहीं है शैतान के तीरों के वो शिकार हो ही जाएंगे। शैतान की वो सुनेंगे और शैतान की बताई हुई बातों पर चलेंगे और शिकार हो ही जाएंगे। जिनके पास ढाल नहीं है और तीर नहीं, विश्वास की तलवार नहीं है, आत्मा की तलवार मतलब प्रभु का वचन नहीं है। क्या है आत्मा की तलवार? एफिसी 6 में लिखा है वो प्रभु का वचन है। ढाल क्या है? विश्वास की। विश्वास किस बात का? प्रभु के वचनों का विश्वास, प्रभु के वायदों का विश्वास। प्यारो, वो हमारी ढाल है और उसी से हम प्रहार भी कर सकते हैं, पर वो दो चीज है ही नहीं। ऐसे ऐसे योद्धा को आपने कभी देखा है जिसके जिसके हाथ में ढाल नहीं है और इसके हाथ में तलवार नहीं है? वो योद्धा क्या करेगा प्यारो? क्या बच पाएगा? कितने दिन जी पाएगा? कितने दिन भागेगा? वो वचन की जानकारी से कुछ नहीं होगा प्यारो। उसके ऊपर विश्वास कर काम में लाना सीखिए, तब हम शारीरिकता से आत्मिकता में प्रवेश करते हैं। अदरवाइज हम सिर्फ जानकारी रखेंगे, हम शारीरिक रहेंगे, जानकारी से कोई फायदा नहीं। उसको उसको अमल में लाना सीख ले प्यारो, अमल में लाइए, आज्ञाकारी बनिए। इसका मतलब है, कहने का मतलब है। बड़े बड़े लेबल फरीसी लोग लगाकर घूम रहे थे, यहां पर उनके कपाल भूषण बोलते हैं कि यहां पर वचन लिखा होता था, कपाल पर ऐसी कोई चीज होती थी, यहां पर बांधते थे वो लोग। इवन उनके वस्त्रों पर भी वचन लिखे होते थे, क्या यहां वचन, यहां वचन, यहां वचन। पर क्या उनके काम कैसे थे? उनके काम से तो प्रभु बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे। उल्टा यीशु तो बोलते हैं तुम तो तुम्हारे पिता शैतान से हो, तुम्हारी सोच तो साफ बताती है, तुम्हारे काम साफ बताते कि तुम्हारे पिता शैतान है। प्यारो, हमें जांचना है कि क्या हम कहां जा रहे हैं। देखिए, शारीरिकता का कुछ परिणाम है, एक आयत पढ़कर हम पूरा करेंगे। याकूब की पत्री 3 तीसरा अध्याय, याकूब की पत्री 3 अध्याय 15 से पढ़ते। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। एक ऐसा ज्ञान भी है, क्या है जो 17-18 की बात कर रहा हूँ, सॉरी 15-16 पढ़ेंगे पहले, उसके बाद में ये जो आयत आप स्क्रीन पर ही रखिएगा, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। ऐसा भी ज्ञान है जो आपके जीवन में बहुत भयानक परिणाम ला सकता है, आपको शारीरिकता में ले जाए। लिखा है, और वो ज्ञान कैसा है? सांसारिक है, शैतानी है, पर ऊपर से नहीं आता, वो यहां से आता है, लोगों के ज्ञान से आपके पास आ जाएगा। पता नहीं वो कैसा ज्ञान रखते हैं। 14वीं आयत में लिखा है, यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो, और ये बात आपके मन में कड़वाहट डालेगी, विरोध डालेगी। और ये सब बातें कौन सिखाता है हमें? ये सब कौन सिखाएगा? शैतान सिखाएगा। अपने अगवों के अधीन मत हो, कौन सिखाएगा आपको? शैतान सिखाएगा। कौन सिखाएगा? अपने अगवे तो बोलते रहे अपने अपनी मनमानी से जीना और करना, कौन सिखाएगा ये बात है? ये ज्ञान कहां से आता है? बाइबल में यहां साफ लिखा है वो शैतानी है, सांसारिक है, और ये बातें आपके जीवन में डेडनेस ला सकती है प्यारो। कलीसिया सोचिए, पर लिखा है जो ज्ञान ऊपर से आता है, लिखा है स्क्रीन पर है, जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है,
कोमल और मृदुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ होता है और पक्षपात और कपट रहित होता है। ऊपर का ज्ञान ये बात आपके जीवन में लाता है कि आपका व्यवहार आपके जीवन में बदल देता है, आपके फलों को बदल देता है, आपके अंदर से पक्षपात निकाल देता है, कपट निकाल देता है। यह अलग है, यह अलग है, इनके साथ मेरा कोई नाता नहीं। मिलनसार होता है वो ऊपर से आने वाला ज्ञान प्यारो। और प्रभु यीशु मसीह वो ही बात सुन रहे थे हमेशा, पिता की हमेशा सुनते थे प्यारो। ये बात हमें लिखा है कि मिलाप कराने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। प्यारो हम कहां पर है? शारीरिकता का एक और चिन्ह है असंतुष्ट रहना, अपनी नौकरी से, अपने कामकाज से। कई बार ऐसी चीजें होती है प्यारे, ऐसा नहीं है कि वो गलत होता है, पर कई बार ऐसी होती है कि असंतुष्ट अपने घर की चीजों से, अरे उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, उसके पास गाड़ी है मेरे पास तो अभी तो बाइक ही है, उसके पास तो बंगला भी बना लिया मेरे पास तो एक फ्लैट ही अभी नहीं। ये सब चीजें जो नहीं है वो असंतुष्टि ला देती है। क्योंकि हम उन बातों को सुनने लगते हैं, हाँ यार इसके पास नहीं है ये जब हम सोचते हैं तो हम सुन रहे किसी की, मेरे पास ये नहीं है इसके जैसा तो मेरा कहाँ। हम दूसरों की ओर देखते हैं कि अरे यार उसका हस्बैंड देखो कितना अच्छा है, उसकी वाइफ देखो कितनी अच्छी है, और मेरा हस्बैंड देखो और मेरी वाइफ देखो क्या क्या बेकार जीवन जी रहे। नहीं, हम संतुष्ट ही नहीं है। प्रभु ने एक तो मैरिज लाइफ दी, दूसरा मैरिज लाइफ पार्टनर दिया आपको, और हमें संतुष्टि ही नहीं है। ये एक शारीरिकता की सोच है। क्यों? क्योंकि हम दुनिया की सोचते हैं, दुनिया में ये सब बातें हैं, और वो बात हमारे मन में घर की हुई है। हमें प्रभु का वचन जगह पाया ही नहीं है। फरीसियों को प्रभु ने साफ बोला, तुम मुझे मार डालना चाहते हो, क्यों? क्योंकि मेरा वचन तुम में जगह नहीं पाता है। आप में और मुझ में, हम में जब प्रभु का वचन जगह नहीं पाएगा तो हम यीशु को मार रहे हैं, हम अपने ही आत्मिक जीवन का गला घोट रहे हैं। प्यारो क्या आप उन लोगों में से हो? किसको प्रसन्न कर रहे यीशु की माफी? आप सोचे, यीशु साफ बोल रहा है सर्वदा उसका उसने जो बताया वो कर रहा हूं, उसके काम कर रहा हूं और उसको प्रसन्न कर रहा हूं। माता पिता का आदर क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हो माता पिता का आदर, रिस्पेक्ट कर रहे हैं? बाइबल में ऐसा लिखा है कि ये पहली वचन युक्त आज्ञा है, एफिसी 6 अध्याय में वहां पर लिखा है, ये पहली वचन युक्त आज्ञा है अपने माता पिता का आदर करो। कहां है आदर? रिस्पेक्ट कर रहे हैं क्या हम? वहां लिखा है कि जिससे तेरी आयु दीर्घायु हो, दीर्घायु लंबा आयुष्य। अगर आप दीर्घायु चाहते हो, लंबा आयुष्य चाहते हो, आप सोचे क्या मैं मेरे माता पिता का आदर करता हूं? मुझे कई बार याद आता है अपने चर्च में फादर्स डे मनाते हैं हम, फादर्स डे में सब लोग, मुझे भी भाई पास्टर जैकविन को, पास्टर क्रिस्टोफर को, हम सबको आकर वो गुलाब का फूल देंगे, आप हमारे आत्मिक पिता हो। अरे क्यों ढाए बनते हो? कहने की तो नहीं, कई बार हम बोलते हैं आत्मिक पिता, पर कहां का आत्मिक पिता प्यार? पास्टरों को बाइबल ही कहता है कि वो आपके आत्मिक पिता है। पौलुस बोलता है मैं तुम्हारे पिता की समान तुम्हारी रखवाली करता हूं। और पिता कई बार गलत बातें होती है तो बोलता भी है, डांटता भी है, करेक्ट भी करता है, सुधार भी लाता है, पर कई बार वो हमें पीड़ा देन हो जाता है। प्यारो सोचिए, क्या आप अपने माता पिता का आदर करते हो? क्या अपने सास ससुर का आदर करते हो? वो भी आपके माँ बाप ही है ना? क्या आप उसका उनका आदर करते हो? क्या आपके आपके लहू के माँ बाप का आप आदर करते हो? आपके कलीसिया के अगवों का क्या आप रिस्पेक्ट करते हो? नहीं है तो वो आप शारीरिक जीवन में जी रहे हो प्यारो, और ये शारीरिक जीवन आपको डेडनेस मतलब मृत्यु की ओर ले जाएगा। हर काम में डेडनेस होगी, नहीं सफलता नहीं होगी वहां पर। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं, प्रभु के चरणों में इन बातों को ले जाते हैं। हम क्या सुनते हैं, कितना सुनते हैं, नहीं हमने माँ बाप का कितना सुनते हैं और कितना सुनाते हैं? कई बार हम सुनाते हैं, हमारे हस्बैंड वाइफ को सुनाते हैं, हमारे भाई बहनों को सुनाते हैं, ताने मारते हैं प्यारो। क्या हम आत्मिक हैं सच में? मुझे हैरानी होती है, क्या हम सच में आत्मिक हैं? आत्मिक नहीं है तो पिता प्रसन्न नहीं है, है ना? हमें ताने मारने की आदत है, हमें असंतुष्टि है हमारे हमारे लाइफ पार्टनर से। हम शारीरिक नहीं है, हम आत्मिक नहीं है प्यारो, हम शारीरिक हैं। हम कंपैरिजन करते, देखो उसको देखो, उसकी ओर देखो, ये कैसे है। आपके लिए जो है ना वो प्रभु ने आपके सामने रखा है प्यारे।
कई बार खाने खाना परोसते ना माँ बाप, हम बोलते ये खाना दिया मुझे, ये ऐसा खाना मुझे नहीं पसंद है। क्या हम माँ बाप का रिस्पेक्ट करते हैं? क्या हम जो खाना हमारे तक उगा कर हमारे बर्तनों तक पहुंचाया और वो बर्तनों से हमारी थालियों तक आए, क्या हम उसका आदर करते हैं? कई बार बोलते हैं मुझे तो ये पसंद नहीं, मुझे तो ये खाना अच्छा नहीं लगता, नहीं ये नहीं। अरे जो है उसमें संतुष्टि रखिए। नहीं, वो ही आत्मिकता की निशानी है प्यारो। अगर आप संतुष्ट नहीं हो कोई बात से, सोचिए आज सोचना प्यारो, मैं किन किन बातों से असंतुष्ट हूँ। लिस्ट बनाना, याद ही बनाए, लिस्ट बनाइए चलिए कि मैं किन किन बातों से असंतुष्ट हूं। मेरे अगुओं से असंतुष्ट हूं, मेरे माँ बाप से, मेरे भाई बहनों से, मेरे मेरे दोस्तों से असंतुष्ट हूं, मेरी मेरे 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 जीवन में जो हो रहा है, नहीं प्रभु ने आशीष दी उससे असंतुष्ट हूं। क्या कहां कहां असंतुष्टि है? हम कहीं शारीरिक जीवन तो नहीं जी रहे हैं प्यारो? हम झूठी तसल्ली ना दे अपने आप को कि हाँ हम तो आत्मिक है, हम अवसो प्रेयर में, हम अगो के साथ उठते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं और हम तो बहुत आत्मिक है, वी आर सुपर स्पिरिचुअल। पर यीशु मसीह ये सारा भ्रम फरीसियों का तोड़ दिया कि तुम तुम्हारे पिता शैतान से हो, क्योंकि तुम मेरे वचन को तो अपने हृदय में बसने नहीं दे रहे और अपनी मर्जी से जी रहे हो। सिर्फ बैठने के लिए हम चर्च में बैठ जाएंगे प्यारो। हमारा सही जीवन हम आत्मिक जी रहे हैं या शारीरिक जी रहे, वो तो हमारा चर्च के बाहर का जीवन बताएगा। हम कितनों के साथ अच्छे पेश आते हैं, वो तो हमारा बाहर का जीवन, हम वो प्रभु वो बताएगा कि हम आत्मिक है कि शारीरिक। प्रार्थना करें प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इन बातों के लिए जो हमें हमेशा आत्मिकता की ओर ले जाती है। आप हमेशा पिता के साथ जुड़े रहे, अगुवाई करते रहे प्रभु, अगुवाई लेते रहे अपने पिता से और सत्य में चलते रहे। हम धन्यवाद करते प्रभु कि ऐसा नमूना आपने इन वचनों में हमारे सामने रखा है कि हम हमारी चाल को सुधार ले, हमारी बातों को सुधार ले, कहीं अगर हम गलत हो रहे तो हम सुधार लाए। प्रभु हम आज प्रार्थना करते हैं हमें बदले प्रभु, हमारी सोच को बदले, हमारे अंदर क्या छिपा है हमें बदले प्रभु। क्या हम ऐसे ज्ञान पर आधार रख बैठे जो सांसारिक है? सांसारिक ज्ञान हमेशा डाह, ईर्ष्या और झगड़े पैदा करता है, पर प्रभु का वचन कहता है मेरी कही हुई बातें ही आत्मा और जीवन है। यीशु ने साफ लिखा है कि इंसान जिएगा तो किससे जिएगा? परमेश्वर के मुंह से निकले हुए शब्द से, ना कि मनुष्य के मुंह से निकले हुए शब्दों से। हर एक शब्द जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है, आपने किन की बातों को जीवन का आधार बनाया? क्या परमेश्वर की कि मनुष्य की? प्रभु हमें अनुग्रह दे पिता, हमें अनुग्रह दे प्रभु कि हम आपकी बातों को आधार बनाए, जैसे आप सर्वदा आपकी आप पिता की सुनते थे और उसके आधार पर ही जो सिखाते थे, जो देखते थे वो ही करते थे। हमें आज सुनने वाले कान दीजिए प्रभु कि हमारे काम काज में भी अगर गलत कहीं जा रहे तो हम बदल जाए, हम रोक ले, हमारे पांव को आगे बढ़ाने से रोक ले, हमारे कदमों को रोक ले। अगर हम गलत देखने जा रहे तो हम हमारे नजरियों को बदल दे प्रभु। प्रभु यीशु के नाम में प्रभु पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ को, आपकी आग को आप उतारिए प्रभु, ताकि प्रभु हमारी सोच बदले परमेश्वर, हम शारीरिकता से आत्मिक दशा में जाए जो आपको प्रसन्न करती है। प्रभु हमें अनुग्रह दे पिता, हमें मदद कीजिए प्रभु आपकी अगुवाई में आगे बढ़ने के लिए। प्रभु हमें सहायता दीजिए। हम शायद लोगों को, हमारे हस्बैंड वाइफ को शायद खुश नहीं कर पाएंगे जब हम आत्मिक होंगे तो, पर प्रभु हमें दुख झेल कर भी आपके पीछे चलने का अनुग्रह दीजिए। शायद हमारे दोस्तों को पसंद नहीं आएगा हमारी बातें, पर प्रभु हम प्रार्थना करते हमें यह अनुग्रह दे प्रभु, हमें यह बल दे क्योंकि तू हमारा बल है प्रभु। शायद हमारा शरीर व्यर्थ हो सकता है पर तेरी बातें फेल नहीं होगी कभी भी। बहुत सारे लोग प्रभु हमारी कलीसिया में ऐसे है कि आज भी वो ही मरी दशा में जी रहे हैं। प्रभु तेरी आत्मा की आग को तो उन्हें परमेश्वर यीशु के नाम में प्रभु हम मांगते हैं आपकी आग उतरे और प्रभु उन बंधनों को जलाकर भस्म करे। प्रभु जो लोग चंगाई हो पाना चाहते हो अपने हाथों को जहां भी बैठे हो घर में उठाइए, स्क्रीन की ओर उठाइए। जो लोग सच में कोई बीमारी में जूझ रहे, कोई तकलीफ में जूझ रहे, अपने हाथों को स्क्रीन की ओर बढ़ाइएगा, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। अगर आप में से कोई ऐसे है कि जो अपने शारीरिक जीवन को लेकर दुखी है, फरीसियों की माफक बहुत कुछ
वचन रखने के बावजूद भी शारीरिकता में जी रहे, ऐसा एहसास हुआ है वचनों से, तो आप भी अपने हाथ को उठाकर स्क्रीन की ओर रखिए, हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। अगर आप कोई जरूरत के साथ बैठे हो, अपने हाथ को स्क्रीन की ओर बढ़ाइए। अगर आपके घर में झगड़े हैं, आप अपने हाथ स्क्रीन की ओर बढ़ाइए, हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। अगर आपके बिजनेस को लेकर दुखी हो, नुकसान हो रहा है, अपने हाथों को बढ़ाइए स्क्रीन की ओर, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं, जिन जिन लोगों ने अपने हाथों को बढ़ाया आज तू देख रहा है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इनके समर्पण को, जिन्होंने सच में आज समर्पण किया है अपने आप को करेक्ट करने के लिए, तेरी आत्मा को अपना समर्पण जारी किया है प्रभु, हम मांगते प्रभु पवित्र आत्मा तेरी उनके ऊपर उतरे परमेश्वर, और पवित्र आत्मा उनकी उनकी चाल बदल जाए यीशु के नाम में, और अपनी चाल बदलने के लिए पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ से वो भर जाए यीशु के नाम में, हम मांगते प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते जो लोग बीमार है, जो लोग प्रभु चिंताओं में है प्रभु, जो लोग तकलीफों में समस्याओं में फंसे हुए हैं, जो लोग उलझन में है प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं उनके बिजनेस के लिए, उनकी उनकी बीमारी वाली लाइफ के लिए परमेश्वर, हम आज दुआ करते हैं परमेश्वर यीशु के नाम में, हम अधिकार लेते हैं सारी बीमारी यीशु के नाम में निकल जाए यीशु के नाम में, अच्छा करते इनके शरीर में से दूर हो जाए यीशु के नाम में, आत्मा की सामर्थ उतरे इनके शरीर में, छुटकारा पाए यीशु के नाम में, हालेलुया। प्रभु इनके बिजनेस को हम आशीष देते हैं यीशु के नाम में, बिजनेस को हम आशीष देते हैं, सारी चिंता सारा भय दूर हो जाए। यदि कोई जादू टोना के प्रभाव में है, हम आज यीशु के नाम में शैतान के उस सारे प्रभाव को तोड़ते हैं यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में उसकी हर स्ट्रांग होल्ड को, हर मजबूत पकड़ों को मैं यीशु के नाम में तोड़ता हूं प्रभु। तेरे वचन के अनुसार लुका 10 और 19 के अनुसार शत्रु के हर पराक्रम पर आपने अधिकार दिया है, यीशु के नाम में हम उसे तोड़ते हैं। हर अज्ञानता के बंधन को, हर सेल्फ राइचियसनेस के बंधन को हम यीशु के नाम में तोड़ते हैं, हालेलुया। प्रभु हम आपके हाथों में इन जीवनों को रखते हैं, हम चंगाई की और शांति की और उन्नति की, प्रोग्रेस की, प्रमोशन की आशीष बोलते हैं इन जीवनों के ऊपर जिन्होंने अपने हाथों को बढ़ाया है प्रभु यीशु के नाम में, शांति की, उन्नति की, छंगाई की, छुटकारे की आशीष हम इनके जीवनों में, परिवारों में और पारिवारिक मैरिड लाइफ में घोषित करते हैं यीशु के सामर्थी नाम में, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर आपकी बातों के लिए, आपके वचनों के लिए और आपकी समझ के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, सब बातों को लेकर हम आपका धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु